वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस इकदाम के खिलाफ है जो आईन और कानून के बरअक्स होगा। हमारी पार्टी ने मुल्क की सालमियत और जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद और आईन की बालादस्ती के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। डेफिनेटली लोगों ने इतराजात किए, उसके मौजूद हैं इसकी रिड्रेसल के तरीके, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आईन और कानून के मुताबिक जो रिव्यू या अपील या जो कुछ भी डिसाइड करते हैं उसी तरीके से इसको डील करना चाहिए। इसको और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर उस इंटरवेंशन के जो के आईन के ख़िलाफ़ है, हर उस बात के जो जमहूरियत के बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, इतराजात रहे हैं और उसमें एक ये भी। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मौशी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नेंस की बहुत मसाइल हैं। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें आईन के तहत अवाम ने वोट देकर मुल्क को मसाइल से निकालने का इख्तियार दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स में जो तसादुम पैदा हो गया है वो नहीं होना चाहिए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है 11 को थी, फिर वो पोस्टपोन करके 23 को ही है, और इंशाल्लाह ताला उस मीटिंग में मैं शिरकत करूँगा। और जो मसाइल हैं, इसलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है। फेडरल लेजिस्लेटिव प्लस पार्ट टू जो है उस पूरी को CCI के थ्रू ही सुपरवाइज कंट्रोल और मैनेज करना है, और उस सिलसिले में हर सूबे के इश्यूज़ हैं, आपस में सूबाई इश्यूज़ भी होते हैं, फेडरेशन के साथ भी इश्यूज़ होते हैं, और उसकी मीटिंग रखी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने 23 तारीख को। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें जो सूबों के इश्यूज़ हैं, ना सिर्फ सिंध सूबे के, बाकी सूबों के या फेडरेशन के जो इशूज़ हैं, यानी कि CCI की सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव प्लस पार्ट टू के जो भी इश्यूज हैं वो प्रॉपर्ली डिस्कस हों। वजीर आजम ने मुझसे कोई खुफिया राबता नहीं किया, लेकिन मैं ये बता दूं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI का इजलास जो पहले 11 दिसंबर को होना था वो अब 23 दिसंबर को होगा। 2016 में हमारे तकरीबन 7 अरब रुपए के एड सोर्स काटे गए थे जो हमें वापस नहीं किए गए। वजीर आला सिंध ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि आईन में CCI का इजलास हर 3 माह में एक बार जरूर होना चाहिए। आईन में CCI की मीटिंग हर 3 महीने में एक बार होना जरूरी है, और ये आईन के लिखने वालों ने ऐसे नहीं कह दिया कि बस खामखा मिलें बैठें और गपशप करें। इस इदारे का इतना ही काम है लिटरली जितना फेडरल कैबिनेट का है। फेडरल कैबिनेट हर हफ्ते में मिलती है अभी, और ये फेडरल कैबिनेट का काम है पार्ट वन जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके बारे में पॉलिसी बनाना और डिसीजंस लेना, और पार्ट टू के लिए सारा काम CCI का। इसीलिए 3 महीने में कम अज़ कम एक बार मीटिंग के लिए कहा गया था। अनफॉर्चुनेट है कि तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं, 1 साल 1 महीने से ऊपर हो गया है कि मीटिंग नहीं हुई, लेकिन ये खुशाइन बात है कि अभी मीटिंग हो रही है मंडे को। जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद कहा था कि भुट्टो सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप सब भुट्टो हैं, और जब तक भुट्टो को चाहने वाले मौजूद हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा रहेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद किए गए थे, और ये तो हमारे मजहब में शहीद हमेशा जिंदा रहता है, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद कहा था, और आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की स्पीचेस हैं कि एक भुट्टो मैं नहीं हूँ, तुम आगे सारे खड़े हुए भुट्टो, जब तक वो भुट्टो के फॉलोअर्स मौजूद है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा रहेंगे।